फ्रेंड्स, मेरे इंटरटेनमेंट एंड क्यूरियस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिनी ब्रेड पिज्जा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इस चलिए तो फिर देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। मैंने एक छोटे से कैरेट को फाइनली चॉप कर लिया है, एक छोटे प्याज, एक मीडियम साइज की प्याज को भी चॉप कर लिया है, टमाटर को एक मतलब आधे टमाटर को लिया था मैंने, उसके सीड्स को अलग कर दिया और उसको भी मैंने थोड़े से पीसेस में कट कर लिया है। ये मैंने दो कैप्सिकम को, बड़े कैप्सिकम को मैंने एकदम अच्छे से चॉप कर लिया है। थोड़ा मैं मिर्ची की पाउडर ले रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च की पाउडर, और ये मैंने टमाटर केचप 4 टेबल स्पून मैंने टमाटर केचप लिया है, और ये मैं सेजवान चटनी ले रही हूँ, और ये चीज़ ब्लॉक लिया मैंने, और थोड़े से ब्रेड्स लिए। तो चलिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल को ले रही हूँ, इसमें सब वेजिटेबल्स को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैं थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, करीबन 1/2 टीस्पून के आसपास। थोड़ी मैं काली मिर्च की पाउडर भी डाल रही हूँ, करीबन 1 टीस्पून, और नमक स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, या फिर आप कोई भी ऑयल जिसमें कि कोई स्मेल ना हो वैसे ऑयल को यूज़ कीजिए। थोड़ा सा ऑयल को यूज़ करती हूँ वो डाल देती हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और ये मैंने 4 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो केचप लिया था, और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें सेजवान चटनी ली। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ मैं। बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार होता है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और चूंकि इसमें मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स भी यूज़ करती हूँ तो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत हेल्दी हो जाता है। मेरी फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ब्रेड में स्प्रेड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चीज़ ब्लॉक्स मैं इस तरह से रखती हूँ। ये चीज़ ब्लॉक्स खुले रखने पे क्या होता है, ये इसमें वो ख़राब होने लगते, जल्दी ख़राब लगते, तो इसको आप एल्युमिनियम फॉइल को एक ले लीजिए, उससे इसको अच्छी तरह रैप कर लीजिए। इससे ये बहुत काफ़ी दिनों तक अच्छे रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और इसको आप एक आराम से किसी भी चीज़ में एयर टाइट वाले जिप लॉक वाले पन्नी में डाल दीजिए, या फिर किसी भी ऑर्डिनरी पन्नी में डाल करके इसको अच्छी तरह से पैकिंग कर दीजिए, तो ये ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेड में अपना लगाना शुरू करती हूँ मैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फटाफट इवनली से स्प्रेड करना है ब्रेड में, बहुत ज़्यादा भी मुझे नहीं लगाना है। बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार होता है, बच्चे भी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया है, और ये जो मैंने सारे वेजिटेबल्स को मैंने जो मैरिनेट किया था एक तरह से, उसे भी मैं फटाफट इसमें लगा दे रही हूँ। इतने सारे जो मटेरियल मैंने दिखाए हैं, ये आराम से 4 स्लाइस ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए सफिशियंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ताज़ी घाड़ी, देखिए एकदम फ्रेश सवाल है, देखिए चीज़ बिल्कुल भी खराब नहीं होता इस तरह से। और इस तरह से इसके ऊपर से चीज़ को देखिए, ये मोटेबल चीज़ है, इसे भी स्प्रेड कर देंगे। आप इसमें
आप इस पर कोई भी किसी भी तरह की चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बट मोज़रेला चीज़ सबसे अच्छा होता है। तब तक मैं स्प्रेड करती हूँ, तब तक मैं इससे पैन को गैस पर चढ़ा दूँगी। चीज़ तो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं और ये हेल्दी भी होता है। अपने एक बाजार से पिज़्ज़ा लेने आते इतने महंगे पड़ते हैं, ये घर में बनके फट से झट से तैयार हो जाने वाला पिज़्ज़ा। रेनी सीजन में इसे बनाइए और बच्चों को खूब खुश कीजिए। फ्रेंड्स, पैन को गर्म करने के रख दिया था, इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रही हूँ। पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म करना है और थोड़ा सा मैगी भी स्प्रेड कर दे रही हूँ। और जो मैंने पिज्ज़ा को जो बनाया था, इसे मैं आराम से धीरे से संभालते हुए इसे मैं हिट करके यूज कर रही हूँ। आपके पैन छोटे हो तो आप दो ही सेट कीजिए और गैस की फ्लेम को स्लोली रखना है मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीन पिज्जा आराम से ये सेट हो गए हैं। इसे डाल करके अब इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे ढक करके ओनली 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल हाफ मिनट के लिए इसको थोड़ा कुक कर देना है। पीछे से ये लाल हो जाएंगे और ऊपर से ये तब तक ये इसकी चीज़ जो है थोड़ी मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे कुक करना है। तब तक मैं और सब ब्रेड के पिज्जे को भी सेट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। देखिए वाओ, पीछे से एकदम से गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इस कंडीशन में इसमें थोड़ा सा और भी थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर को मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ। थोड़ा सा आप चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर दीजिएगा तो और भी अच्छा लगेगा, देखने में भी टेम्पटिंग लगेगा और खाने में टेस्ट अच्छा होगा। इसे मैं निकाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से एकदम करारे फीके हैं और ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो गई, इसका मतलब हमारा मिनी पिज्ज़ा ब्रेड बिल्कुल बन के तैयार हो गया। इसे मैं एक कट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप बच्चों को सर्व कर दीजिए, बच्चे बहुत ही स्वाद ले लेके खाएंगे और बोलेंगे वाह मम्मी बहुत ही पसंद आया, और बनाओ और बनाओ। ये देखिए, ये हमारा मिनी ब्रेड पिज्ज़ा बनके रेडी है। कैसा लगा आपको ये हमारा रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी बनाने के बाद पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thanks for watching.